जी यमराज जी। क्यों रो रही है और क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? ये रोना धोना बंद करो, मेरे पीछे आना छोड़ दो, अपने घर को वापस जाओ। कैसी बातें करते हो आप यमराज जी? आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो और कहते हो कि क्यों रो रही हो? हाँ। मैं रोना धोना जब तक बंद नहीं करूंगी और जब तक आपका पीछा करना बंद नहीं करूंगी, जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे। अच्छा यूँ बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे पति के प्राणों को आप लेकर जा रहे हो, इसलिए रो रही हो। जी अमराज जी, इनकी आयु पूरी हो गई और जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसके यमराज प्राण लेने के लिए आता है। हे यमराज जी, आप ही बताइए, मेरे पति के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर मैं अपने पति के बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उस एक दिन जाना जरूरी है, और जितने दिन के लिए जीव आया है, जितना उसका दाना पानी है, अपना दाना पानी चुक करके, अपना समय पूरा कर करके वो ब्रह्मलीन हो जाता है। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते, बावली हो गई ये, जब तक जिंदा था जब तक तुम्हारा पति था, लेकिन अब ये तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि पांच तत्व का खेल बिगड़ के निकल आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने पंछी पैर फसार गया। ये खाली पिंजरा, ये मिट्टी पड़ी है और मिट्टी का तू अपना पति बता रही है? आपको मेरे पति के प्राणों को वापस देना होगा यमराज। मैं तुम्हारे पति के प्राण हरगिज नहीं दूंगा। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। अच्छा, मेरी कुछ विनती सुनकर जाना होगा। विनती? हाँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। हो मेरी अरजी सुनो या मेरा, कुछ ही रहम मेरे पे खा मेरे अरज सुनो या मेरा जी, आज कुछ रहम मेरे पे खा मेरे अरज सुनो या सावित्री, तुम्हारी सारी अर्ज सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक काम नहीं हो सकता। कौन सा काम नहीं? सुनिए मेरी बात। भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखी के मैं बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखी के मैं बेटी, मजधार हो जा, अंदेशा ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा, ओ अंदेशा ससुर की सेवा ओ, फिर करने दुश्वार हो जा, हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे बचा मेरी
कहूं कि बिना पति की औरत की जिंदगी बड़ी दुखदाई होती है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि तेरे पति शत्रुवान की आयु के दिन पूरे हो गए, मैं इनके प्राण नहीं लौटा सकता। हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ और झोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, तुम्हारे तेज और तुम्हारे तप के आगे मैं भी कोटि कोटि झुकता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है सावित्री, अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते तो अगर मैं कुछ और मांगू क्या आप मुझे दोगे? कुछ भी मांगो मैं इनकार नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन लेकिन सुनिए मेरी बात। हो नाड़ झुका लूंगा, अच्छा। लाश के अंदर प्राण द्वारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना के हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना के हालूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। मैं फिर मांगो लगता है सावित्री धर्मराज की बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है। हे यमराज जी, हाँ। आप पर और आपकी बातों पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, फिर लेकिन अपने किस्मत पे विश्वास नहीं रहा। किस्मत पर जी यमराज, किस्मत क्या करेगी जब मैंने ये कह दिया कि लाश के अंदर प्राण तो नहीं डालूंगा लेकिन और कुछ मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा। आपने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वही दोगे। हाँ, तो मैं तीन वचन मांगती हूँ, तीन वचन भर लीजिए यमराज जी। चल मैं तीन वचन भी भर लूंगा, लेकिन लेकिन एक चीज नहीं मांगोगी तीन वचन भरवाकर। कौन सी चीज? चाहे कुछ भी मांग लेना, चाहे मेरी जान मांग लेना। आपकी शर्त है? एक शर्त होगी मेरी। कौन सी? सुन ले मेरी बात। कुछ भी मांगो करो यकीन। अच्छा, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। और अब बेखटके मांगो सावित्री के दिए वचन एक दो तीन। बेखटके मांगो सावित्री के दिए वचन एक दो तीन। सास
उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कोचियो रे, मने ना चाहिए कोचियो मरवाए, तीन खुशी मांगी है जी अमराज जी, बता दिए बोल चुक हो जाए तुम्हारे से। पहले खुशी मांगी है तुमने कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए जी अमराज जी, यही है ना जी। दूसरी खुशी मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर एक राजा रानी कहलाते थे, मंत्री ने उनके साथ में छल कपट बेईमानी करी, उनका राजपाट लूट लिया, वो राजपाट वापस चाहिए जी। राजपाट कोई और भी चल सकता है? वही राजपाट चाहिए जो मेरे सास ससुर का था। और नहीं चलेगा? नहीं। ठीक है। तीसरी खुशी कि जब वो राजपाट मिल जाएगा तो उस राजपाट को चलाएगा कौन? तेरे सास ससुर नेत्रवान भी हो जाते हैं तो बुजुर्ग हैं, चलना फिरना बस की नहीं है, और बुजुर्गों से राज चलाना बहुत मुश्किल सी बात। तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन हो, बुढ़ापे का तुम्हारा सहारा बने, बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने और प्रजा की सेवा करे, एक न्यायकारी राजा कहलाए। तुम्हारी कोख से पैदा हो एक बेटा चाहिए जी अमराज जी, तुम्हारी कोख से ही पैदा होना चाहिए जी अमराज जी, कोई वैसा और कोई वरदानी नहीं चलेगा? नहीं। और कुछ? नहीं। और कुछ चाहिए? तीन वचनों में ये छोटी छोटी तीन खुशी मांगी है, आप इनको पूरा कर दीजिए यमराज। और कुछ मांग ली अगर कोई कसर रह रही हो? बस आप इन्हीं को पूरा कर दीजिए यमराज जी। इनको पूरा कर दूं? यही ये पूरा... तो यूं समझ सावित्री पूरा हो गए। कैसे समझ? सुन मेरी बात, सुन का, उन्हें आँखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ यमराज जी, तो दूसरा भी सुन। जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ, तो तीसरा भी पूरा कर। और तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तीनों खुशियां मैंने दे दी। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट मिल जाएगा, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा, और अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो यमराज जी? सावित्री मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं करोगे। तीसरा वचन? हाँ, आपने मेरे दो वचन तो पूरे कर दिए लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीसरा वचन क्यों कर पूरा नहीं किया? तुमने कहा था कि मेरे कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए जी। और मैंने कह दिया कि मैं तीसरे वचन में तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। आपने कह दिया और बेटा पैदा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? अभियों का एक सेकंड में ही बेटा पैदा हो जाएगा। मैंने तो नहीं कहा सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने वरदान दिया है, वरदान पूरा होगा, बेटा पैदा हो जाएगा,
अपने समय पर होगा, अब मुझे जाने दो। क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के पूरा किया है, होशो हवास में पूरा किया है? देख मैंने तो ये कहा था कि भाई सत्यवान के प्राण छोड़ दे, कुछ भी मांग ले। तैने सत्यवान के प्राण छोड़ के जो भी मांगा मैंने दे दिया। तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीसरा वचन में फिर एक काम कर, तू हरी नंबरदार ले ले। हरी नंबरदार का क्या करूंगी मैं? यो करते फिर ये। इतना बड़ा बेटा ना चाहिए मुझे। क्यों? मुझे तो छोटा सा चाहिए। अरे आज अब तो पहले माँ माँ बेटा गोदी में खिलावी, अब बेटा माँ खिला लेगा गोदी में, क्या दिक्कत है? ना जी ना। अच्छा मुझे अपनी तुम्हें, से चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया, फिर कह दूं? मुझे सुनाई नहीं दिया अपने तीसरे वचन में क्या कहा? और तेरी कोख में, तेरी कोख में, तेरी कोख पे पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। हर ख्याल करो हर राम बैसले हो, 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 हो। ख्याल करो हर राम बैसले, ख्याल करो हर राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। क्यों? बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो ना ते मेरा पति जीवाओ रे। मुझे माफ कर दो, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी आपसे मांगूंगी आप पूरा करोगे। तीसरा वचन पूरा कीजिए यमराज जी। तीसरा वचन तो पूरा नहीं हो सकता। हो गया पूरा? तीसरा वचन तो यही पूरा कर सके। सावित्री बेटी मुझे माफ कर दो। नहीं अमराज जी, आपको मेरा तीसरा वचन पूरा करना होगा। तीसरा वचन पूरा मेरे बस की बात नहीं। जब तो कह रहे थे बेटा हो जाएगा। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया कि सावित्री ने तो बड़े घुमा फिरा करके धर्मराज से तीसरा वरदान मांगा है। अगर तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकते तो मेरे पति को जीवित कीजिए। पति को जीवित कैसे करूं, इसकी तो आयु खत्म हो। तो वचन हार हो जाइए। वचन हार हो गया तो संसार के लोगों का धर्मराज से विश्वास ही उठ जाए। तो फिर वही बात कहती हूँ, मेरे तीसरा वचन पूरा कीजिए। मुझे या तो माफ कर दे, क्योंकि तीसरा वचन तो जब पूरा होगी जब तुम्हारा पति जिंदा हो। तुम्हारा पति जिंदा जब होगी, जब इसकी आयु बची हो। मैं भूल गया, अगर सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे पैदा हो जाएगी? ये मेरे से गलती हो गई, या तो मुझे माफ कर दे। और या सावित्री धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया है तो बेटी निकालने का रास्ता भी तो ही बता सकती है, और मेरे बस की कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप मुझे बेटी कहते हो? हाँ। तो बेटी होने के नाते से मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ, क्या आप मानोगे? मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। हे यमराज जी। हाँ। आप कहते हो मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। हो चुकी। ये बताइए कि मेरी आयु, मेरी उम्र कितनी बाकी है? तुम्हारी तो अभी आयु बहुत लंबी है। अगर मेरी आयु अभी बहुत लंबी है, कई सौ साल जीना तुम्हें तो, कई अगर मुझे साल। कई सौ साल जीना है। हाँ। तो जितनी भी मेरी आयु है उस मेरी आयु में से आप आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए साथियों, दोनों हाथ उठा करके जोरदार। जब मेरी आधी आयु आप मेरे पति को दे दोगे तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे पुत्र भी हो जाएगा यमराज जी। और एक काम और अच्छा होगा। क्या? जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री दुनिया में जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री दुनिया से जाएंगे साथ साथ यमराज जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। धन्य है बेटी सावित्री तेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया और निकालने का आसान सा तरीका बताया। जब तक धरती चांद सितारे, जब तक सूरज चांद सितारे धरती और आकाश रहेंगे, सतियों में सावित्री तेरे अमर सदा इतिहास रहेंगे।
हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ जे होया हाला चार यमो राजे होया हाला चार हार के प्राण नाश में डाले मेरी आराज सुनो Jesus.